हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी को दोस्तों मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वो स्टॉक है अरविंदो फार्मा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 602 रुपये में आज क्लोज हुआ है और आज की तारीख है 19 फरवरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 20% के ऊपर के प्राइस में ये क्लोज हुआ है। और अरविंदो फार्मा काफ़ी नामी कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। फार्मा सेक्टर 2015 से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो है इस सारे सेक्टर में अब जो है एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है और अरविंदो फार्मा में भी उस तरह की तेज़ी आज दिखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका जो है रिटर्न देख लेते हैं कि अरविंदो फार्मा कैसा रिटर्न दी है पिछले 10 सालों में, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंदो फार्मा जो है क्या इतना तेज़ी बनाने के बाद और भी कुछ तेज़ी बना सकता है, या ये ओवर प्राइज्ड हो गया है या अंडर वैल्यूड है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, पिछले एक सप्ताह में ये लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है, एक महीना में ये करीब 24% का रिटर्न दिया है, और जनवरी से अभी तक ये 32% का रिटर्न दे दिया है, और ये पिछले 5 सालों में 16% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में ये 558% का रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 10 सालों में ये निवेशकों का पैसा करीब करीब 6 गुना से ज़्यादा करके ये दिया है। और जिस मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन है, और इसके अलावा जो कंपनी डिविडेंड देती है वो इनकम अलग से है, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा चार्ट पर भी थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं कि ये प्राइस वाइज कैसा कर रही है कंपनी। दोस्तों, अब अरविंदो फार्मा के चार्ट पर भी हम लोग एक नज़र ले लेते हैं। ये मैक्सिमम चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है अरविंदो फार्मा तकरीबन 419 रुपये में ट्रेड कर रहा था 15 नवंबर 2019 तक, उसके बाद इसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और यह जो है आज जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, 602 रुपये पर यह क्लोज हुआ है, करीब करीब 20% की इसमें तेज़ी देखी गई है। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये कई सालों से ये जो है साइडवेज रहा है ये स्टॉक, और अभी काफ़ी निचले स्तरों से ये ऊपर उठना शुरू हुआ है। जैसा कि हम लोग एक साल का चार्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है अरविंदो फार्मा में। तो इसके 3 साल के भी चार्ट में देखिए, यहाँ पर भी जो है आपको ब्रेकआउट होता दिख रहा है निचले स्तरों से, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग्स जो है इनका स्ट्रॉन्ग्स जो रेसिस्टेंस था 554 का, उस लेवल को ये तोड़ करके अब काफ़ी ऊपर निकल चुका है, और इनका जो सेकंड रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो 627 रुपये के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की तेज़ी बनी है काफ़ी दिनों बाद, और ये फार्मा सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मार्च 2017 में 14,910 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, 18 में 16,463 का सेल्स रिपोर्ट की थी, मार्च 2019 में 19,564 का सेल्स रिपोर्ट की थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके सेल्स में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका जो है नेट प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों, 17 में 2302 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट की थी, 18 में 2423 करोड़ का नेट प्रॉफिट की थी, मार्च 2019 में इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई थी,
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स तो बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, तो उसकी वजह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी 23% के ऑपरेटिंग मार्जिन पर बिजनेस करती थी, लेकिन जो मार्च 2019 में जो रिपोर्ट आया उसमें इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है 3% घट करके 20% में हुआ, इसलिए इनका जो है नेट प्रॉफिट जो है कम होता हुआ दिखा है, जबकि इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है उसके बावजूद इनका नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा है। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है अपना रिवेन्यू बढ़ाने में तो सफल रही है, लेकिन इनका कुछ 2-3 सालों से इनका रिवेन्यू में मार्जिन जो श्रिंक किया है उसके वजह से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में ये कंपनी जो है यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इनके सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देखिए, जून क्वार्टर में 636 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 640 हो गया, और दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी बेहतरीन 705 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया है। तो दोस्तों अब हम लोग इसका इस कंपनी का जो है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगाते हैं, और उसके आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कि ये जो स्टॉक है ये ओवर प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है, या इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है पैसा बनने का। तो दोस्तों ये सारे जो चार्ट हैं, जो डेटा है, उसको हमने एक्सेल शीट में ले रखा है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। उसके पहले, शेयर करने से पहले हम लोग इसका सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कि ये जो अरविंदो फार्मा है वो इनका सेल्स ग्रोथ जो है 20.53 CAGR रहा है पिछले 10 सालों में, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में 44.66% रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और इनका स्टॉक प्राइस जो है हर साल 20.73% CAGR के रेट से बढ़ा है, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए दोस्तों, ये करीब 25.10% CAGR के रेट से ये बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे तो इनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हालांकि फार्मा सेक्टर काफ़ी डिस्ट्रेस रहा है पिछले 4 सालों से। तो अब लेकिन इनका जो है इस खराब माहौल में भी ये कंपनी प्रॉफिट निकाल पाने में सक्षम हुई, इसलिए इसका मैनेजमेंट जो है अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छी कर रही है। तो अब हम लोग उस एक्सेल शीट को शेयर करते हैं जिसके जिसके आधार पर हम लोग एस्टिमेट लगाएंगे। तो इनका देखिए दोस्तों, जो फिनेंशियल ईयर 19 का इनका कुल रिवेन्यू, जैसा कि हम लोग देखे थे कि 19,563 करोड़ का था, उसमें ये 2,364 करोड़ का प्रॉफिट कमाई थी, और EPS जो है 40.36 का रिपोर्ट की थी। क्योंकि दोस्तों 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, और 3 क्वार्टर का जो है 9 मंथ का हम लोग रिवेन्यू देखेंगे, तो ये 16,940 करोड़ का रिवेन्यू अभी तक रिपोर्ट कर चुकी है, और 3 क्वार्टर में मिला करके इनका प्रॉफिट 1,981 करोड़ ये रिपोर्ट कर चुकी है, और इसमें 3 क्वार्टर के अनुसार EPS 33.81 रुपीज़ पर शेयर आता है। तो इस हिसाब से देखते हैं दोस्तों कि जो फाइनेंशियल ईयर 90 में जितना कंपनी रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, उसका ये 86.59% जो है रिवेन्यू अभी 3 क्वार्टर में ही इस कंपनी ने अचीव कर लिया है। प्रॉफिट में भी जो है तकरीबन 84% का इन्होंने अचीव कर चुका है, और EPS भी है 93% इन्होंने अचीव कर चुका है। तो इस आधार पर हम लोग इसका एस्टिमेट लगाते हैं कि जो मार्च 2020 में जो 4th क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और एनुअल रिजल्ट आएगा, उसमें ये कंपनी जो है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इन आंकड़ों के आधार पर कि ये कंपनी जो है 22,586 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट करेगी, जो कि इनके लास्ट फिनेंशियल ईयर 19 में 19,563 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इनका रिजल्ट जो है मार्च एंड में काफ़ी अच्छा आने वाला दिख रहा है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और प्रॉफिट भी जो है ये कंपनी लगभग जो है ये अच्छा जो है प्रॉफिट रिपोर्ट करने की हम लोग इसमें उम्मीद लगा सकते हैं, और इनका EPS जो है 45 रुपीज़ के आसपास रहने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से दोस्तों इनका जो, चूंकि इसमें निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है,
और जिस तरह के चाइना में कोरोना वायरस के चलते जो फैक्ट्रियां जो है फार्मास्यूटिकल्स की या केमिकल्स की बंद हुई है, उसका सीधा लाभ भारतीय कंपनियों को मिलता दिख रहा है। तो इनका जो है मिनिमम प्राइस 541 रुपया होना चाहिए अरविंदो फार्मा का, और मैक्सिमम प्राइस आज के डेट में इन आंकड़ों के आधार पर 719 रुपया होना चाहिए। तो जबकि ये जो शेयर है अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि 602 रुपये पर ये क्लोज हुआ है, तो यहाँ से भी लगभग लगभग 117 रुपये की तेजी अभी भी बनती दिख रही है, हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पाते हैं कि अरविंदो फार्मा अभी भी अंडर वैल्यूड है, और इसमें और भी एप्रिसिएशन की गुंजाइश है, और चाइना इफेक्ट भी इसमें काम कर रहा है, और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं न्यूज पर और इनके आंकड़ों के आधार पर कि ये जल्द ही ये शेयर जो है 700 के स्तर को छूने की क्षमता रखता है। तो इस तरह दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मेरा एनालिसिस सही लगा हो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।